आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जीवन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक बात है सर, मेरा पहला सवाल इसी पटेल जी आपसे है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव आया है इतने सालों में? आपने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़े और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी वो आगे जाए, साथ ही साथ स्मार्ट वो बने। क्या आपको लगता है कि कितना बदलाव हुआ है आज तक और कितना होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पूरे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे राज्य का मुखिया डॉक्टर साहब हैं, उनके हाथों में आज प्रदेश का बागडोर है। 2003 में जिस समय उनके हाथों में एक बागडोर आई, हमारा प्रदेश एक थमी हुई ठहरी हुई, लेकिन आज यदि हम भारतवर्ष के मानचित्र में देखें तो आर्थिक जगत में हमारा प्रदेश का अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, सामाजिक जीवन बहुत ही गतिशील बना हुआ है, बौद्धिक और सांस्कृतिक मानचित्र में आप देखेंगे तो प्रतिदिन आपका आप देखेंगे कि एक नए सितारे उभर कर आ रहा है, जगमगा रहा है, और ये सब कहीं ना कहीं एक कुशल और सशक्त नेतृत्व की वजह से हो रहा है। देखिए, जो युवा है यही पढ़े और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का युवा स्मार्ट बने और छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक वेशभूषा रही है या जो फोक डांसेस रहे हैं उसके तक छत्तीसगढ़ की और पहचान बने। देखिए, मैट्स विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले जब 2003 में की गई थी उस समय ही इसका यही उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं जो बेहतर उच्च शिक्षा की तलाश में राज्य के बाहर पलायन करते हैं उनके लिए राज्य में ही एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जाए जहाँ पर वे बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकें और बाहर जाने की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होगा। 2006 में हमारी पुनर स्थापना के साथ ही हमने इस दिशा में एकदम सार्थक प्रयास किया और आज उसका परिणाम हमें सुखद रूप से देखने को मिल रहा है कि हमारे जहाँ तक जानकारी है बहुत सारे ऐसे युवा जो हमारे संस्था में भी अध्ययनरत हैं जो निश्चित तौर पर बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे वे अब सब छत्तीसगढ़ को ही अपना रेफरेंस देते हैं, यहीं पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि युवाओं को बेहतरीन शिक्षा दी जाए। ऐसा ही लगभग छत्तीसगढ़ में स्थापित समस्त उच्च शिक्षा संस्थाओं का कार्य रहा है। मैट्स विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर अग्रणी है। तो आप ये मानते हैं कि जैसे आपने संस्था को शुरुआत किया तो क्या लिटरेसी रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, जो युवा है वो यहाँ पर ठहर के पलायन ना करके यहाँ पर पढ़ाई? लिटरेसी रेट बढ़ना एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसा आप इन्होंने बताया लेकिन स्मार्टनेस में क्या कमी लग रही है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए सर, जितना हमारा समाज जो है आपका शासन प्रशासन से दूरी थोड़ी सी बनी हुई है कि हम आप ग्रामीण स्तर तक अभी उस ढांचागत तौर पर नहीं पहुँच पाए हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हर आम आदमी तक पहुंचे। आज हमारे ग्रामीण जनता को यही नहीं पता है कि हमारी सरकार हमारे उच्च शिक्षा के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन इसी पिछड़ रहे हैं कि हमको सारी योजनाएँ और सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ हमको दुनिया की जा रही है इस क्षेत्र में उसको हम अपने रिमोट एरियाज तक निचले तक अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने में अगर हम सफल हो पाते हैं तो हमारे पास आगे बढ़ने की सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हमको कराई गई हैं कि हम आपका ग्लोबल लेवल पे जाकर के अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी सरकार के द्वारा फ्री कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, लेकिन हमारे लोग अभी तक इस बातों को जान नहीं पा रहे जिसके कारण से बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। दिल्ली तक यदि कोई पढ़ने जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे सिविल सर्विस तैयारी करने जाता है तो उनके लिए अलग से फैसिलिटीज हैं कि कोई बच्चे यदि वहाँ पर जा रहा है तो उसको आपका सिविल सर्विस के लिए ही पर्टिकुलर ग्रांट्स उपलब्ध हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे आदिवासी बच्चों को 0% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, 0% ब्याज दर, जबकि अन्य समाज के लिए आपके 1% ब्याज दर पर आपका एजुकेशन लोन भी होगा। इसी तरह से डिस्टेंस लर्निंग में भी हम अगर उसका सफर देखें तो पत्राचार हम एक नोट बाई पोस्ट भेजा करते थे,
आज हम ई कंटेंट्स वेबसाइट पर रखते हैं और वो 24 घंटा उसके पास उपलब्ध होता है। और भी ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी से जैसे हमने स्टूडियो से टेलीकास्ट का एक प्रैक्टिस किया है और जैसे मैंने व्हाट्सएप का आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। और अब जो मतलब सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में होगा वो ऑनलाइन एजुकेशन को है, मतलब हम ई लेव जैसी किसी कंसेप्ट पर बात करेंगे। और मैं प्रैक्टिकल भी अपने घर में अपने कंप्यूटर में बैठ के कर पाऊंगा और बिल्कुल वैसा ही महसूस करूंगा जैसा मैं एक ई लेव में कर रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गुणवत्ता का मैं मतलब एहसास कर पाऊंगा। और एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस पर बहुत सारे IIT मुंबई वगैरह लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ई लेव के कंसेप्ट को हम ला रहे हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में भी स्टार्ट भी हो गया है और ऑनलाइन कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच सके और लोग इससे जुड़े ताकि लोगों को फायदा मिले। आप तीनों से छोटे छोटे सवाल है मेरा। सर, हर चीज का एक उदाहरण होता है, तो आपको क्या लगता है एजुकेटेड छत्तीसगढ़ स्मार्ट छत्तीसगढ़ का आपको क्या एग्जांपल लगता है हमारे छत्तीसगढ़? देखिए, आज हमारे आप सभी आप बता रहे थे कि हमारी सिविल सर्विस के क्षेत्र में हमारी वृद्धि जो है आपका नेशनल लेवल पर अपनी एक अलग स्थान सुनिश्चित की है। आप शायद जानते होंगे कि उत्तर देवड़ा से मिलाते हैं।